भाई देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूँ कि कृष्ण का अवतार ऐसे लगता है हिंदुस्तान में मोदी के रूप में आ गया। ये जो हमारा देश है हिंदुस्तान, इतना खूबसूरत देश है, लेकिन इसका कबाड़ा कर दिया था चंद लोगों ने। और ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसे लोग हमारे कंट्री में लीडर बन के आएँ जो हमारी कंट्री को आगे लेकर जाएं। और सबसे अहम बात होती है स्वच्छता। द मोमेंट आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान या बम्बई या कोई भी शहर स्वच्छ हो, वहाँ से आपका हेल्थ जो है माइंड में, बच्चों के माइंड में, आगे की जनरेशन के माइंड में हेल्थ कॉन्शियसनेस आती है। आप अपने देश से, अपने शहर से, अपने गांव से प्यार करने लग जाते हैं। तो ये जो भाव है जो मोदी साहब ने स्टार्ट किया है, ये स्वच्छ अभियान, ये एक इतना खूबसूरत अभियान है। और मैं तो इसके लिए कहीं भी हो मैं उनके सपोर्ट में हूँ। एक अभियान शुरू होता है तो उसमें छोटे से छोटे बच्चे को लेकर के, छोटे से छोटे हिंदुस्तान के गांव से लेकर के बड़े से बड़े शहर तक, सबको इस अभियान में शामिल होना चाहिए। और ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए माइंड में कि हमें अपना आसपास, आस पड़ोस, घर, रास्ते, जो भी जगह है, एकदम साफ रखें। और सफाई में ही खूबसूरती, हम अपना घर कितना साफ रखते हैं, हम अपना मंदिर कितना साफ रखते हैं। क्यों रखते हैं मंदिर को साफ? क्योंकि भगवान का डर है, यहाँ किसी का डर नहीं है। यही हिंदुस्तानी हम जब बाहर जाते हैं, लंदन गए या अमेरिका गए या कहीं भी गए, वहाँ हम कचरे के डिब्बे का इस्तेमाल करते हैं, अपने देश में क्यों कचरा डालते हैं? ये जो चीज़ है, ये भाव जो है बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने देखा है कि ये अभियान से कॉन्शियसनेस आई है, धीरे धीरे आएगी, ये ओवरनाइट तो होगा नहीं, लेकिन ये कॉन्शियसनेस लाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।